हेलो स्टूडेंट पिछले क्लास में हम लोगों ने आईपी डेटाग्राम के बारे में पढ़ा था आईपी पी डेटाग्राम के हेडर के बारे में पढ़े थे और कुछ एग्ज़ाम्पल्स किए थे आज के लेक्चर में हम सबसे पहले कुछ एग्ज़ाम्पल्स देखेंगे आईपी पी डेटाग्राम के फ्रेगमेंटेशन के बारे में और उसके बाद चेकसम जो कि आई पी डेटाग्राम में यूज़ किया जाता है उसको देखेंगे एंड ऑप्शन फेल देखेंगे एग्जाम्पल सेवन पॉइंट फाइव इसमें दिया हुआ अ पैकेट हैज़ अराइड विद एन एम बिट वैल्यू ऑफ जीरो दिस द फर्स्ट फ्रेगमेंट लास्ट फ्रेगमेंट और मिडल फ्रेग फ्रेगमेंट डू वी नो इफ़ द पैकेट वाज फ्रेगमेंटेड तो इसमें कहा है कि जो भी हमने देखा था कि जो हमारा आई पी डेटाग्राम के हेडर था उसमें एक फ्लैग थ्री बिट का एक फ्लैग यूज किया जाता है और फ्लैग में एक एम बिट होती है और एक डी बिट होती है डी बिट की वैल्यू वन या ज़ीरो हो सकती है जिसकी वैल्यू वन है इसका मतलब डू नॉट फ्रेगमेंट एंड ज़ीरो है मीन्स इस डेटाग्राम को फ्रेगमेंट किया जा सकता है और एम बिट जो कि बताता है मोर फ्रेगमेंट तो अगर एम बिट की वैल्यू ज़ीरो है इट मीन्स द पैकेट इज़ फ्रेगमेंटेड एंड मोर फ्रेगमेंट आर फॉलोइंग दिस पैकेट सो अगर एम बेड की वैल्यू वन है इसका मतलब फ्रेगमें फ्रेगमेंटेशन हुआ है और एम बेड की वैल्यू जीरो है इसका मतलब फ्रेगमेंटेशन नहीं हुआ तो अगर एम बेड की वैल्यू जीरो है इट मीनस फ्रेगमेंटेशन नहीं हुआ है तो वो आपका क्या होगा फर्स्ट फ्रेगमेंट होगा या फिर लास्ट फ्रेगमेंट या फिर मंडेल तो फर्स्ट फ्रेगमेंट में एम की वैल्यू क्या होनी चाहिए वन होनी चाहिए मिडिल फ्रेगमेंट में एम की वैल्यू क्या होनी चाहिए वन होनी चाहिए जो लास्ट फ्रेगमेंट होगा उसका मतलब है अब इसको फ्रेगमेंट नहीं किया जा सकता ठीक है ये लास्ट फ्रेगमेंट है तो वहाँ पर एम की वैल्यू क्या होगी जीरो होगी सोलूशन

सेकेंड एग्जाम्पल में लिया गया है कि वन द एम बिट वैल्यू इज़ वन तो इस केस में दिस फ्रेगमेंट इज़ फर्स्ट लास्ट और मिडल तो हमने बताया था कि जब एम की वैल्यू वन होगी इसका मतलब फ्रेगमेंटेशन हुआ है और वो फर्स्ट फ्रेगमेंट भी हो सकता है या फिर लास्ट फ्रेगमेंट भी या फिर मिडिल हो सकता है लास्ट नहीं हो सकता है लास्ट के केस में एम के वैल्यू क्या होनी चाहिए जीरो होना चाहिए तो हमको ये पता चल गया कि ये फर्स्ट फ्रेगमेंट हो सकता है या फिर मिडल फ्रेगमेंट हो सकता है तो यहाँ पे पूछा क्या गया है डू वी नो इफ द पैकेट वॉज फ्रेगमेंटेड यस वी नो डे इज यूज यूज फॉर डू नॉट फ्रेगमेंट एम इज यूज फॉर मोर फ्रेगमेंट एंड इफ एम बिट इज वन इट मीन्स देयर इज एट लीस्ट वन मोर फ्रेगमेंट दिस फ्रेगमेंट कैन बी फर्स्ट वन और ए मिडिल वन बट नॉट द लास्ट वन लास्ट वन के लिए क्या हो गया एम की वैल्यू ज़ीरो हो गई वी डोंट नो इफ इट इज़ द फर्स्ट वन आर अ मिडल वन तो इसके लिए अगर हमको ये नहीं पता है कि ये फर्स्ट फ्रेगमेंट है या फिर मिडल फ्रेगमेंट है तो ये चीज़ कैसे पता चलेगी हमको एक और फील्ड दी रहती है हेडर में वो रहता है आपका ऑफसेट जो थर्टीन बिट का होता है ऑफसेट तो की वैल्यू को हम लोग देखकर बता सकते हैं कि ये मेडल है या फिर फर्स्ट है फर्स्ट कब होगा जब ऑफसेट की वैल्यू जीरो होगी यहां पर क्वेश्चन में आपको एम की वैल्यू वन दिया हुआ है एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट वैल्यू ऑफ फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट की वैल्यू जीरो है इसका मतलब ये फर्स्ट फ्रेगमेंट रहेगा इस दिस इज द फर्स्ट फ्रेगमेंट लास्ट फ्रेगमेंट और मिडल फ्रेगमेंट तो ऑफसेट की वैल्यू है इट जीरोस ये फर्स्ट फ्रेगमेंट होगा देखिए आंसर है ऑफसेट वैल्यू इज जीरो इट इज द फर्स्ट फ्रेगमेंट सेकेंड क्वेश्चन इज अ पैकेट थर्ड क्वेश्चन इज अ पैकेट अराइव्ड इन विच द ऑफसेट वैल्यू इज हंड्रेड व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाट इज द नंबर ऑफ फर्स्ट बाइट Do we know the number of last byte? तो हम लोगों ने देखा था जब fragmentation कर रहे थे fragmentation में जो offset की value होती है वो first byte को एट से divide करके निकाला जाता है देखिए जैसे offset अगर हम लोग निकाल रहे हैं offset तो आपका फर्स्ट बाइट होगा डिवाइडेड by एट ठीक है उसके इसमें आपको ऑपसेट आता था तो यहाँ पर ऑपसेट की वैल्यू क्या दी गई है आपके हंड्रेड दी गई है और एक्स फर्स्ट बाइट डिवाइडेड बाई एट तो फर्स्ट बाइट क्या आ जाएगा आपका एट हंड्रेड ठीक है डू वी नो डू वी नो द नंबर ऑफ लास्ट बाइट लास्ट बाइट कैसे होगा लास्ट बाइट के लिए हमको साइज पता होना चाहिए पैकेट के साइज़ डेटाग्राम के साइज़ ठीक है और साइज में भी हमको डेटा के साइज़ पता होना चाहिए तो डेटा की साइज़ अगर हमको पता है क्योंकि आपके पैकेट के साइज़ में पैकेट प्लस हेडर, डेटा प्लस हेडर रहते हैं ठीक है ठीके? तो अगर हमको डेटा के साइज़ पता है तो वहाँ पर हम लोग फर्स्ट बाइट में वो साइज ऐड कर देंगे और आपका लास्ट बाइट फाइंड हो जाएगा तो यहाँ पर डेटा की साइज नहीं पता है तो हम लोग लास्ट बाइट नहीं फाइंड कर सकते देखिए आंसर दिया हुआ है टू फाइंड द नंबर ऑफ फर्स्ट बाइट वी मल्टीप्लाई द ऑफसेट वैल्यू बाई एट दिस मीन्स दैट द फर्स्ट बाइट नंबर इज एट हंड्रेड वी कैन नॉट डिटरमाइन द नंबर ऑफ लास्ट बाइट अनलेस वी नो द लेंथ ऑफ डेटा next question hai, a packet has arrived in which the offset value is 100 the value of header length is 5 and the value of total length is 100 so total length kya hota hai? total length equal to header plus data take a header length कि जो वैल्यू दी गई है वो क्या है फाइव है और हम लोगों ने हेडर में पढ़ा था जो कुछ भी हेडर की वैल्यू रहेगी उसमें हम लोग फोर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हेडर निकल आएगा फोर्स मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं क्योंकि जो हेडर है वो वर्ड्स में दिया गया है और एक वर्ड आपका फोर बाइट का है ठीक है तो आपको हेडर लेंथ पता चल गया एंड टोटल लेंथ आपका हंड्रेड दिया गया है डेटा की साइज क्या आ जाएगी आपकी एट्टी ठीक है डेटा की साइज पता चल गई और लास्ट इसके पीछे वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि ऑफसेट से फर्स्ट बाइट कैसे निकाली जाएगी तो ऑफसेट मल्टीप्लाई बाय एट इक्वल टू एट हंड्रेड यह आपका हो जाएगा फर्स्ट बाइट तो फर्स्ट बाइट एट हंड्रेड है और हमको टोटल कितनी साइज़ रखनी है डेटा की एट्टी तो फर्स्ट अगर एट हंड्रेड है तो लास्ट कितना होना चाहिए सेवेंटी नाइन तो ज़ीरो टू सेवेंटी नाइन आपका कितना हो जाएगा एट्टी हो जाएगा तो देखिए आंसर में आपको दिया गया है यहाँ पर the first byte number is uh, 100 into 8 is equal to 800 the total length is 100 byte and the header length is 20 byte which means that there are 80 byte in this datagram if the first byte is uh, first byte number is 800 last byte number must be 879 so yeah, question uh, fragmentation फील्ड के ऊपर बने हुए थे अगर फ्रेगमेंट फ्रेगमेंटेशन आपके डेटाग्राम में हो रहा है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व किए जा सकते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक है हेडर। सॉरी चेकसम तो आईपी हेडर में हम लोगों ने देखा था जो चेकसम है वो चेकसम यूज किया जाता है आईपी हेडर के एरर को डिटेक्ट करने के लिए तो हो सकता है जो भी हमारा पैकेट ट्रेवल कर रहा है बीच में जो हमारा हेडर है उसमें एरर हो जाए एरर जनरेट हो जाए कुछ बिट चेंज हो जाए तो वहाँ पर हमने बताया था कि अगर हेडर में एरर हो जाती है तो उससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है और वो प्रॉब्लम क्या है सपोज करो कि आपका हेडर में प्रोटोकॉल की वैल्यू चेंज हो गई तो उस केस में रिसीवर की तरफ अगर टीसीपी को रिसीव होना था तो वो रिसीव हो गया किस को को या फिर अगर हम लोग एप्लीकेशन लेयर की बात करें तो वो टी को रिसीव हुआ और किसी और के पास चला गया डी एन के पास चला गया ठीक है या कोई भी इस तरीके से डिफरेंट प्रोसेस को हमारा पैकेट रिसीव हो जाएगा ठीक है अगर प्रोटोकॉल की वैल्यू चेंज होगी नेक्स्ट और क्या प्रॉब्लम आ सकती है अगर हमारा डेस्टिनेशन की आईपी एड्रेस चेंज हो जाए तो उस केस में भी प्रॉब्लम हो जाएगा ठीक है तो हमारा किसी और, और रिसीवर को रिसीव हो जाएगा तो इस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं अगर हमारा आईपी हेडर के अंदर कोई भी एरर एर जनरेट हो रहा है आ, इन इन द ट्रांसमिशन तो उस केस में इससे बचने के लिए एक एरर डिटेक्शन टेक्निक्स यूज की गई है और वह है चक्सम तो चक्सम सेम उसी तरीके से बिहेव करेगा जिस तरीके से हम लोगों ने डेटा लिंक लेयर में पढ़ा हुआ है डेटा लिंक लेयर में हम लोगों ने देखा था कि आ, अगर हम लोग किसी चीज़ के लिए चेकसम यूज कर रहे हैं तो उस फील्ड को हम लोग अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करते थे डिवाइड करने के बाद उसको हम लोग वंस कॉम्प्लीमेंट एडिशन करते थे और जो कुछ भी हमारा सम आता था उसको इन्वर्ट कर देते थे वो आपका चेकसम होता था और सेम यही प्रोसीजर आपका रिसीवर एंड की तरफ होता था और वहाँ पर अगर चेकसम की वैल्यू ज़ीरो हो जाती थी कैलकुलेट uh, करने पर तो वो इसका मतलब कोई भी एरर नहीं है और डेटा रिसीव हो जाता था आई है आई पी हेड्रेड चेकसम के बारे में देखते हैं इट इज़ रेडेंडेंट इन्फॉर्मेशन एडेड टू पैकेट तो जितने भी एर रिकवरी मैकेनिज्म में हम लोग एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं वो सारे क्या होते हैं रेडेंडेंट तो इन्फॉर्मेशन होती है रेडेंट क्यों बोलना है क्योंकि डेटा के अलावा हम एक्स्ट्रा और भी चीज़ें भेज रहे हैं द चेकसम इज़ कैलकुलेटेड एट सेंडर एंड वैल्यू ऑफटेन इज सेंट विद द पैकेट कैलकुलेट करके सेंड करते हैं द रिसीवर रिपीट द सेम कैलकुलेसन एन द होल पैकेट इंक्लूडिंग चेकसम चेकसम को इंक्लूड करके सेम वही प्रोसीजर रिसीवर की तरफ होता है और इफ़ द रिजल्ट इज सेटिसफैक्ट्री सेटिसफैक्ट्री का मतलब है जीरो द पैकेट इज एक्सेप्टेड अदरवाइज इट इज़ रिजेक्टेड इट मीन्स देर इज़ समीरर सेंडर की तरफ क्या होता है सेंडर डज़ द फॉलोइंग द पैकेट इज डिवाइडेड टू के सेक्शन एंड के सेक्शन जैसे हम लोगों ने देखा था कि अगर आपका एट बीट एट बीट एट बीट एट बीट टोटल थर्टी टू बिट का मैसेज है और उसके अंदर चेकसम निकालना है तो हम कोशिश कर सकते हैं कि टोटल फोर सेक्शन में डिवाइड कर दें और वो फोर सेक्शन आपके एट बिट में हुँ. इस तरीके से ले सकते हैं तो यहां पे कहा गया है पैकेट इज इनटू के सेक्शंस ईच ऑफ एन इज जनरली 16 बिट ठीक है यहां पर हम लोग 16 bit को लेकर ऐड uh, करेंगे अर्थमेटिक जैसे कि डेटा लिंक लेयर में हम लोगों ने देखा था द फाइनल रिजल्ट इज कॉम्प्लीमेंटेड टू मेक द चेक्शन सारी चीज़ पता है आप लोगों को देखिए तो ये एक एग्ज़ाम्पल हमने लिया है एग्जाम्पल ऑफ चेकसम कैलकुलेशन एट सेंटर तो यहाँ पर वर्जन फोर लिया गया है हेडर लेंथ फाइव है नेक्स्ट आगे की फील्ड अकॉर्डिंग टू ले ले ली गई है और हम लोग सिक्सटीन बिट एडिशन कर रहे हैं तो सिक्सटीन बिट एडिशन में देखो फर्स्ट सिक्सटीन बिट लेंगे तो वहाँ पे फोर फाइव एंड जीरो ये वैल्यू आ जाएगी नेक्स्ट सिक्सटीन बिट आपके यह आ जाएगा नेक्स्ट सिक्सटीन में देखिए फर्स्ट सिक्सटीन में आया है नेक्स्ट सिक्सटीन में ये एंड नेक्स्ट सिक्सटीन में यह आ गया ये आ गया इस तरीके से हम लोग करते जाएंगे और लास्ट में हमारा सम कैलकुलेट हो गया लेकिन रिसीवर सेंडर एंड पर जो चेकसम रहेगा उसको हम लोग जीरो मान के कैलकुलेट करेंगे ये देखिए जीरो लेकर कैलकुलेट किया गया है मतलब अभी जब चेकसम कैलकुलेट कर रहे हैं तो चेकसम फील्ड को हम लोग जीरो लेकर चलेंगे और जब चेकसम कैलकुलेट हो जाएगा जो है सेम हुआ उसको हमने इन्वर्ट कर दिया अब ये चेकसम हुआ अब इस चक्सम को हम लोग किसके अंदर सब्सिट्यूट करेंगे जो हमारी चक्सम की वैल्यू थी और उसमें ये चीज़ ऐड करके मतलब कि वहाँ पे जो जीरो था उसको हम लोग चेकसम जो हमारी कैलकुलेटर चेकसम वैल्यू है उसको रिप्लेस कर दिए और रिप्लेस करके ये रिसीवर की तरफ भेज दिया जाएगा और रिसीवर की तरफ क्या होगा सेम यही प्रोसीजर होगा और वहाँ पर देखा जाएगा जो चेकसम है वो जीरो आना चाहिए जीरो अगर आ रहा है तो कोई भी एरर नहीं है अगर जीरो नहीं आ रहा है इट मीनस देर आर सम एरर इन आई पी एडर तो उसको फिर हम लोग रिट्रांसमिट करेंगे या फिर आई सी एम पी एर मैसेज सेंडर के पास सेंड कर दिया जाएगा देखिए चेकसम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पर रिसीवर की तरफ सेम वही चीज़ हम लोगों ने लिया जैसे वहाँ पर लिए थे चेकसम को और ऐड कर दिया गया सेंडर की तरफ चेकसम कैलकुलेट करने के टाइम पर चेकसम की वैल्यू जीरो ले ली गई थी और जब भेजा गया आईपी पैकेट तो वहाँ पर चेकसम की वैल्यू को इंसर्ट कर दिया गया रिसीवर की तरफ़ चेकसम की वैल्यू को एड लिया जाएगा और उसको कैलकुलेट किया कर जाएगा और लास्ट में देखिए सम आपका वन वन आया है तो इसका जो हम लोग वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे वो आपका जीरो आएगा जीरो मीन्स देर इज़ नो एरर और रिसीवर की तरफ़ एक्सेप्ट कर लिया जाएगा आईपी पैकेट को अगर जीरो नहीं आता तो वो रिजेक्ट कर दिया जाता ठीक है ये चेकसम था अब देखते हैं जो लास्ट पॉइंट है आईपी हेडर का उसमें ऑप्शन फील्ड क्या होती है हेडर में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हेडर की साइज होती है वो ट्वेंटी टू सिक्सटी होती है ठीक है वेरिएबल क्यों है ट्वेंटी आपका बेस हेडर साइज था जब कोई भी ऑप्शन नहीं यूज किया जाता था और सिक्सटी क्या था मैक्सिमम हेडर की साइज़ है जहाँ पर हम लोग कुछ ऑप्शनस भी यूज कर रहे हैं लेकिन मैक्सिमम साइज़ कहाँ तक जा सकती है वो सिक्सटी तक जा सकती है The header of IP datagram is made of two part, fixed part and variable part. Fixed part kya ho gaya aapka 20. The fixed part is 20 byte long and was discussed in previous section. The variable part comprises the option that can be maximum of 40 byte. to yahan pe dekhiye 60 तक जाने के लिए हम कितने increase करना पड़ेगा 40. तो इसका मतलब 40 byte क्या है आपका variable है. Option is not required for datagram. एक ऑप्शन ज़रूरी नहीं है बट सम समर्पज़ में या नेटवर्क टेस्टिंग में एंड डिबिंग में ऑप्शनस को यूज कर लिया जाता है तो अभी हम लोग देखेंगे कि ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ऑप्शन में यूज किए जा सकते हैं तो एक ऑप्शन फील्ड के अंदर हम लोग आ, एक ये चीज़ है रिकॉर्ड रूट रिकॉर्ड रूट का मतलब है कि जो आपका आईपी पैकेट है जिस जिस राउटर से होकर ट्रेवल करेगा उन सारे राउटर के जो आईपी एड्रेस है वो रिकॉर्ड कर ली जाएगी ठीक है एक तो ये ऑप्शन हम लोग ऐड कर सकते हैं ऐसे कई सारे ऑप्शन हैं दो एक ऑप्शन हम बता दे रहे हैं इसमें ऑल रिकॉर्ड रूट ऑप्शन इज़ यूज टू रिकॉर्ड द इंटरनेट राउटर दैट हैंडल द डेटाग्राम इट कैन बी यूज फॉर डिबिंग एंड मैनेजमेंट परपज़ तो इसको एडमिनिस्ट्रेटर जो है नेटवर्क के डिबिंग और नेटवर्क को मैनेज करने के लिए राउटर के इंफॉर्मेशन को यूज कर सकता है तो उसके इसमें हम लोग रिकॉर्ड रूट को यूज करते हैं and uh, strict uh, source root it is also an option that can be used in uh, ip header is case mein kya hoga okay a strict source root option is used by source to predetermine a route for the datagram as it travels through the internet तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो हमारा datagram है वो उस datagram के लिए पहले से ही पाथ decide कर दिया गया है कि किस किस रूट से उसको ट्रेवल करना है ठीक है ये कहीं कहीं पर जरूरत पड़ सकती है और कब ज़रूरत पड़ सकती है जैसे सपोज करो कि नेटवर्क में कभी भी कंजेशन हो सकता है और कुछ इमरजेंसी पर्पज़ पर या कुछ अर्जेंट वर्क के लिए हम कुछ रूट जो है वो पहले से प्रीडिफाइन कर दिए हैं कि इस पर भेजा जाएगा ठीक है तो ये वहाँ पर हम हमारी एफिशिएंसी इम्प्रूव हो जाएगी हमारा नेटवर्क उस रूट में कंजेशन कंजस्टेड नहीं होगा द सेंडर कैन चूज़ ए रूट विद स्पेसिफिक टाइप ऑफ सर्विस बेचाइ मिनिमम डिले मिनिमम डिले की अगर ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर सोर्स रूट हम लोग यूज कर सकते हैं आर मैक्सिमम थ्रूपुट एंड नेक्स्ट ऑप्शन इज लूज सोर्स रूट ये आपका स्ट्रिक्ट सोर्स रूट की तरीका ही है बस इसमें थोड़ा सा आ, एक एक्स्ट्रा चीज़ ये दे दी गई है कि अगर डेटाग्राम अपने रूट से डेविएट होना चाहे कुछ अदर राउटर्स पर भी जाना चाहे तो वो जा सकते हैं हो सकता है कि हमारे उस रूट में कोई भी राउटर जो है वो ख़राब हो गया हो तो उस केस में ये डेटाग्राम कोई और रूट फाइन कर सकता लूज सोर्स रूट ऑप्शन इज सिमिलर टू सोर्स रूट बट इट इज लेस रिजिड ईच राउटर्स इन लिस्ट मस्ट बी विजिटेड बट द डेटाग्राम कैन विजिट अदर राउटर एज वेल एक और ऑप्शन है जो कि आपका है टाइम स्टैम्प टाइम स्टैम्प ऑप्शन में जो भी आपका डेटाग्राम ट्रेवल करेगा और जिस राउटर से होकर जाएगा उस राउटर्स पर कब वो रिसीव हुआ ठीक है वो टाइम की वैल्यू ये सेंडर की तरफ सेंड कर देगा तो किसी पर्पज के लिए उस टाइम की ज़रूरत पड़ सकती है इसलिए टाइम स्टैम्प ऑप्शन भी यूज किया जा सकता है टाइम स्टैम्प ऑप्शन इज यूज टू रिकॉर्ड द टाइम ऑफ डेटाग्राम प्रोसेसिंग बाय अ राउटर ठीक है ये ऑप्शन यहाँ पे ख़त्म होता है कुछ और भी ऑप्शंस हैं बस क्योंकि वो नेसेसरी नहीं है रिक्वायर्ड नहीं है कुछ ऑप्शंस आपको पता होना चाहिए तो ये चार ऑप्शन फील्ड हमने बता दी ठीक है और अगर ये ऑप्शन हम लोग यूज कर रहे हैं तो हमारा जो डेटाग्राम का हेडर है वो ट्वेंटी से इनक्रीज कर जाएगा ये एक क्वेश्चन दिया गया है और इस क्वेश्चन में आपको जो भी आईपी पी हेडर से रिलेटेड हम लोग पढ़े हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन इसमें यूज कर ली गई है और ये स्टूडेंट्स आप लोगों को खुद से करना है ये असाइनमेंट में हम दे रहे हैं तो एन आई पी डेटाग्राम है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन हेडर कोई एक आई पी डेटाग्राम है uh, जो रिसीव हो रहा है और वहाँ पर जो हेडर की वैल्यू हो ये ये दी गई है और ये आपका हैक्सा डेस्मल में है। जो जिस तरीके से हम लोग यू में देखा था कि यू में हेक्सा डेस्मल को हम लोग बाइंड्री में कन्वर्ट करके और वहाँ से डिफरेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे थे उसी तरीके से आपका इसमें होगा आई पी डेटाग्राम में तो अगर हम लोग स्टार्टिंग में देखें जो फोर लिखा है इसका मतलब स्टार्टिंग इस्टार्टिंग जो फोर बिट है ठीक है वो फोर बीट चीज बताती है वर्ज़न तो वर्जन यहाँ पर क्या है हमारा फोर है आगे का आएगा फोर बीट वो क्या है आपका हेडर लेंथ है तो यहाँ पे देखिए हेक्सा में इसकी वैल्यू फाइव है तो बाइंड्री में भी देखा जाए तो वो फाइव आएगी और डेसिमल में भी देखा जाएगा तो वो फाइव आएगी इसका मतलब है जो हेडर की साइज़ है वो क्या है ट्वेंटी तो इस तरीके से सा ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमको हमसे पूछ सकते हैं कभी भी नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपको असाइनमेंट में करना है और इसमें दिया गया है होस्ट इज सेंडिंग हंड्रेड डेटाग्राम टू अनादर होस्ट इफ़ द आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ़ द फर्स्ट डेटाग्राम इज़ वन जीरो टू फोर इज़ द आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ लास्ट इसमें कहा गया है कि एक होस्ट है जो दूसरे होस्ट को हंड्रेड डेटाग्राम सेंड कर रहा है तो अगर फर्स्ट डेटाग्राम की आइडेंटिफिकेशन वैल्यू वन जीरो टू फोर है तो लास्ट डेटाग्राम की आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होगा थर्ड क्वेश्चन है इन डेटाग्राम द एम बिट इज ज़ीरो जो भी फ्लैग बिट में डी और एम होता है वहाँ पर एम बिट जीरो दिया गया है द वैल्यू ऑफ हेडर लेंथ इज फाइव द वैल्यू ऑफ़ टोटल लेंथ इज़ टू हंड्रेड एंड द ऑप्सिट वैल्यू इज टू हंड्रेड वाट इज़ द नंबर ऑफ फर्स्ट बाइट एंड द नंबर ऑफ लास्ट बाइट इन दिस डेटाग्राम इज दिस इज इज दिस द लास्ट फ्रेगमेंट द फर्स्ट फ्रेगमेंट और ए मिडल फ्रेगमेंट तो फर्स्ट के लिए आपको पता होना चाहिए कि हमेशा हम लोग ऑफसेट वैल्यू देखेंगे फर्स्ट अगर जीरो है ऑफसेट वैल्यू ज़ीरो है इट मीनस वो फर्स्ट फ्रेगमेंट है और एम की वैल्यू अगर वन है तो वो फ्रेगमेंट या तो फर्स्ट हो सकता है या फिर मिडिल फ्रेगमेंट हो सकता है अगर एम की वैल्यू ज़ीरो है तो वो फ्रेगमेंट आपका हमेशा लास्ट फ्रेगमेंट होगा ठीक है यहाँ पर आपको एम की वैल्यू जीरो दी गई है इसका मतलब ये लास्ट फ्रेगमेंट है हेडर लेंथ फाइव है ठीक है आपको फर्स्ट बाइट और लास्ट बाइट बताना है तो इसका एक एग्जाम्पल हम लोगों ने किया है उसी तरीके से सेम क्वेश्चन है इसको आप लोग कर लेना दिस इज आई पी डेटाग्राम इज कम्प्लीट हियर थैंक यू